तो क्लच कंट्रोल करने के लिए जो आपको बाइटिंग पॉइंट को समझना जरूरी है कि बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जब तक आप बाइटिंग पॉइंट को नहीं समझ पाओगे, आप बाइक के मास्टर नहीं बन पाओगे। आपको जो है, आप ये लो ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। जब तक आप क्लच की सेटिंग को, हाफ क्लच क्या होता है वो, बाइटिंग क्लच का बाइटिंग पॉइंट क्या होता है उसको नहीं समझ पाओगे, तो आप जितना मर्जी बाइक चलाना सीख लो, आपकी बाइक जो है बार बार बंद होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्लच को कितना छोड़ना है, ठीक है। सभी यही बताते हैं कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, पर आपको कब धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है, उसका एक पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लच को होल्ड करना होता है, ठीक है, कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊँगा कि क्लच का बाइटिंग पॉइंट को क्या होता है। अगर आप क्लच के बाइटिंग पॉइंट को सीख जाओगे तो आप किसी भी बाइक को चलाना सीख जाओगे। और आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि क्लच का बाइटिंग पॉइंट अलग अलग होता है, सभी बाइकों का अलग अलग होगा, ठीक है। मेरी बाइक का अलग होगा, आपकी बाइक का अलग होगा, और आप किसी और की बाइक के चलाओगे तो उसका बाइटिंग पॉइंट जो अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने बाइक को स्टार्ट कर लिया, तो एक बार, ठीक है, बाइक को बंद कर दिया। उसके बाद आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, ये जो होता है, जहाँ पे, जैसे ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ तक जो फ्री है इसको बोलते हैं क्लच की फ्री प्ले, ठीक है। और जहाँ पे क्लच हार्ड लगना शुरू हो जाता है वहीं पे क्लच जो है वर्क करना शुरू करता है। अब इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये जो हिस्सा है जो फ्री है, ठीक है, यहाँ तक मैं क्लच को छोड़ूंगा, कोई भी मेरी बाइक आगे पीछे मूवमेंट नहीं करेगी। पर जैसे ही मेरी बाइक यहाँ पे हार्ड, क्लच हार्ड लगना शुरू हो गया, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल करूँगा तो यहीं पे मेरी बाइक चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरा क्लच को मुझे यहीं तक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरी बाइक जो आगे बढ़ेगी, ठीक है। जहाँ पे क्लच हार्ड लगना शुरू हुआ था वहीं पे मैं क्लच को छोड़ूंगा, तभी मेरी बाइक चलना शुरू होगी, ठीक है। मतलब यहाँ तक क्लच को छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ बाइक को, अभी स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट गियर लगा दिया, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ तक, मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर में बाइक है, अगर मैं यहाँ तक जो क्लच को छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जो है बाइक मेरी, मतलब अभी गियर में एंगेज नहीं है, ठीक है, बाइक मेरी न्यूट्रल कंडीशन में। पर अगर मैं यहाँ, ठीक है, जो यहाँ पे हार्ड लगना शुरू हो गया वहाँ तक क्लच को छोड़ूंगा तो मेरी बाइक जो है गियर में एंगेज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। यहाँ तक आप फर्स्ट छोड़ो, स्लो छोड़ो, कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट छोड़ दिया, यहाँ मैंने फर्स्ट छोड़ दिया, अब यहाँ पे हल्की सी बाइक आगे चढ़ना शुरू हुई तो मुझे हल्का सा एक्सीलेट लिया और क्लच को यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लच को धीरे छोड़ना होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप क्लच को फर्स्ट छोड़ सकते हो, ठीक है। जहाँ आपकी क्लच का बाइटिंग पॉइंट हुआ वहाँ पे आपको क्लच को होल्ड करना और बिल्कुल स्लो छोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट छोड़ा क्लच, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो रहा, देखो ये देख सकते हो, मैंने रेस भी दी, एक्सलेट कर रहा हूँ, ठीक है, पर बाइक को कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ तक मैंने फर्स्ट छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से हल्का सा बाइक चलना शुरू हुई तो यहाँ पर मुझे क्लच को बिल्कुल स्लो छोड़ना है और जहाँ चलना शुरू होगी वहाँ पर क्लच को होल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है, कि आपकी क्लच का बाइटिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, आपकी बाइक में कहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट है, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये जो, ठीक है, ये जो देख रहे हो ये है फ्री प्ले, ठीक है। यहाँ पे क्लच हार्ड लगना शुरू हो गया तो आपको क्या करना है, यहीं तक जो है क्लच को छोड़ना है, यहीं पर कंट्रोल करना है, इतनी सी जगह पर आपको क्लच को कंट्रोल करना है, ठीक है। आप जैसे ये देख सकते हो, मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सीलरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लच को जितना मर्जी फास्ट छोड़ूँ, स्लो छोड़ूँ, कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, बाइक आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। ये देख सकते हो, यहाँ पे बाइक आगे बढ़ेगी नहीं, जहाँ पे मेरा क्लच टाइट होना शुरू हुआ था वहाँ तक मुझे क्लच को छोड़ना, तभी मेरी बाइक जो आगे बढ़ेगी, ठीक है। अभी फिर से एक बार करके बता देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आए, इसलिए मैं क्या करूँगा, एक्सीलरेट को नहीं लूँगा। अभी मैंने एक्सीलरेट को छोड़ रखा है, एक्सीलरेट नहीं लूँगा, ठीक है। बिना एक्सीलरेट के भी बाइक बढ़ जाती है, ठीक है, आगे बढ़ जाती है। और आपकी बाइक जो है न्यू मॉडल की है, जो B6 बाइक की आ रही है, वो तो गाड़ियों की तरह जो है कंट्रोल होती है, ठीक है। अगर आपका उसका क्लच भी छोड़ोगे, पीछे पैसेंजर भी बिठाया होगा, तब भी बाइक जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्लच को फास्ट छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक मैं क्लच को फास्ट छोड़ सकता हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्लच को फास्ट छोड़ दिया, इसके बाद मुझे क्लच को धीरे छोड़ना है, ठीक है।
ये देखो धीरे छोड़ना छोड़ना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, बाइक चलना शुरू होगी तो यहीं पर मुझे क्लच को होल्ड करना है और यहाँ पर एक्सीलेट करूँगा तो बाइक जो है मेरी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ तक क्लच को आप फास्ट छोड़ सकते हो, पर वहाँ जहाँ आपकी बाइक चलना शुरू हो जाएगी वहाँ पे आपको हल्का एक्सीलेट ले रहा है और वहाँ पे क्लच को होल्ड कर ले रहा है। और जैसे ही आपकी बाइक जो है 5-10 की स्पीड पे आ जाएगी आपको क्लच को फुल रिलीज कर देना है, ठीक है। उससे होगा क्या, आपकी जो ना तो आपकी क्लच ब्लेड बर्न होगी और ना ही आपकी बाइक बंद होगी, ठीक है। हमेशा यही ध्यान रखना, जब भी आपकी बाइक जो है चलना शुरू होती है तो आपको क्लच को, एक बार करके समझा देता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे मैंने एक्सलेट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लच को फर्स्ट छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाइक चलना शुरू हुई, ठीक है, हल्के हल्के चलना शुरू हुई बिना एक्सलेट के, तो मैं क्या किया, एक्सलेट लिया, ठीक है, हल्का सा एक्सलेट लिया, क्लच को होल्ड किया और जैसे ही मेरी बाइक चलना शुरू होगी मैं क्लच को छोड़ दूंगा, ठीक है, फुल क्लच को। जैसे 5-10 की स्पीड आ जाएगी फुल क्लच छोड़ देना है, उसके बाद सेकेंड गियर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही मेरी बाइक जो है 20 की स्पीड पर आ जाएगी मुझे क्या करना है, फुल क्लच को छोड़ देना है और फिर से क्लच को दबाना और थर्ड गियर जो है लगा लेना है 30 की स्पीड पर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप क्लच को कंट्रोल करोगे, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो चलना शुरू हुई, ठीक है, ये देखो चलना शुरू हुई, एक्सीलेट किया, चल पड़ी, ठीक है। फिर से मैंने क्लच को दबा लिया, ठीक है, हाफ क्लच किया, चलना शुरू हुई, बाइटिंग पॉइंट, और एक्सीलेट किया, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो और ये जो सिचुएशन है आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो तो इस चीज़ को सीखो। अगर आप क्लच का बाइटिंग पॉइंट को नहीं समझ पाओगे तो आप बाइक चलाना नहीं सीख पाओगे, ठीक है।